स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण का संचालन कहाँ शुरू हुआ? ए राजकोट, बी मुंद्रा, सी सूरत, डी गांधीनगर। आंसर बी मुंद्रा। एक्सप्लेनेशन: गौतम अदानी के नेतृत्व वाले समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का पहला चरण शुरू किया। इस सुविधा के पहले चरण में 0.5 मिलियन मीट्रिक टन परिष्कृत तांबे का उत्पादन किया जाएगा। ये संयंत्र वित्त वर्ष 2029 तक अपनी पूर्ण क्षमता 1 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। भारत तेजी से तांबे का उत्पादन बढ़ा रहा है, जो जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है। अगला प्रश्न: बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ए जर्मनी, बी इटली, सी नॉर्वे, डी फ्रांस। आंसर डी फ्रांस। एक्सप्लेनेशन: फ्रांस की संसद के निचले सदन ने एक विधेयक पारित किया है जो बालों की बनावट, लंबाई, रंग या शैली पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाएगा। यह विधेयक श्रम संहिता में मौजूदा भेदभाव विरोधी उपायों में संशोधन करेगा। यह विधेयक काले लोगों का समर्थन करेगा जिन्हें अपने बालों के कारण कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न: हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किग्रा युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता? ए ऋषभ सिंह, बी अजय राठी, सी विनय, डी अतुल कुमार। आंसर सी विनय। एक्सप्लेनेशन: मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के विनय ने 59 किग्रा युवा वर्ग में 120 किग्रा का भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 18 वर्षीय एथलीट विनय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। वहीं इसी इवेंट में मिस्र के अहमद अब्देल कादर ने रजत पदक हासिल किया। अगला प्रश्न: हाल ही में किस देश में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है? ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी फिलिस्तीन। आंसर ए चीन। एक्सप्लेनेशन: चीन में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है। पिछले साल 7.68 मिलियन जोड़े शादी के बंधन में बंधे, जो 2022 की तुलना में 12.4% की वृद्धि है। शंघाई और जियांगसू, हुनान और अनहुई सहित कई प्रांतों से बढ़ती विवाह पंजीकरण देखे गए हैं। आवास की ऊंची कीमतें, बच्चों की देखभाल के बढ़ते खर्च और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण माहौल के कारण चीन में युवा व्यक्तियों का विवाह करने का उत्साह लगातार कम हो रहा है। अगला प्रश्न: हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? ए पाकिस्तान, बी मालदीव, सी भूटान, डी श्रीलंका। आंसर सी भूटान। एक्सप्लेनेशन: भारत भूटान को अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भूटान की यात्रा के पहले दिन कल थिम्पू में ये घोषणा की। प्रधानमंत्री ने भूटान नेतृत्व को आश्वासन दिया कि भारत भूटान के साथ खड़ा रहेगा और दोनों देश आपसी संपर्क, आधारभूत अवसंरचना, व्यापार और ऊर्जा उद्योग क्षेत्रों में अधिक सहयोग की संभावनाओं की खोज करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और कृषि क्षेत्र में समझौतों और रेल संपर्क संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में लिया? ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी बैंक ऑफ इंग्लैंड। आंसर ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन: भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। प्रारंभ में RBI को मुद्रा नियंत्रक से जिम्मेदारियां विरासत में मिली और उसने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 1 अप्रैल 2024 को 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया। अगला प्रश्न: रोहन बोपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया? ए ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, बी ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति, सी सर्वाधिक लगातार ATP मास्टर्स 1000 खिताब, डी ATP मास्टर्स 1000 फाइनल में सर्वाधिक हार। आंसर बी। एक्सप्लेनेशन: रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने 30 मार्च 2024 को मियामी ओपन में पुरुष युगल फाइनल जीता। 44 साल की उम्र में बोपन्ना ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। अगला प्रश्न: हाल ही में सेनेगल का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? ए मैकी सॉल, बी उस्मान सोनको, सी बसिरो डियोमाइफे, डी अमादोबा। आंसर सी बसिरो डियोमाइफे। एक्सप्लेनेशन:
अफ्रीका की सबसे पश्चिमी देश सेनेगल की संवैधानिक परिषद ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बासिरो दियोमाएफे की जीत की पुष्टि की है। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में किस ब्रांड ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ए पैनासोनिक, बी एडिडास, सी रीबॉक, डी एवरेडी। आंसर डी एवरेडी। एक्सप्लेनेशन, एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मौजूदा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की भाला फेंक में विश्व नंबर एक नीरज चोपड़ा के साथ साझेदारी की घोषणा की है। अगला प्रश्न, भारत की पहली AI आधारित फिल्म का नाम क्या है? ए नोआ, बी टेक्नोसागा, सी इंद्रधनुषी, डी इरा। आंसर डी इरा। एक्सप्लेनेशन, हाल के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में काफी चर्चा हो रही है। इस विषय पर बनी पहली हिंदी फिल्म इरा का ट्रेलर और गाना लॉन्च मुंबई में हुआ। फिल्म में रोहित बोस रॉय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म IRAH का ट्रेलर AI तकनीक के दुरुपयोग को दर्शाता है, इसके नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। ये फिल्म 4 अप्रैल को रिलीज हो रही है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलज मरु मध्य में स्थित विवादित द्वीप का क्या नाम है? ए कच्चाथीवु द्वीप, बी लक्षद्वीप, सी मालदीव, डी अंडमान द्वीप समूह। आंसर ए कच्चाथीवु द्वीप। एक्सप्लेनेशन, कच्चाथीवु द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलज मरु मध्य में स्थित 285 एकड़ में फैला एक विवादित द्वीप है। ये द्वीप मछली पालन के लिए अहम स्थान रखता है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप पर भारत एवं श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से दावा किया जाता था। वर्ष 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक संयुक्त समझौते के माध्यम से कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। शर्त ये थी कि भारतीय मछुआरे यहाँ पर मछलियाँ नहीं पकड़ सकेंगे, इसका इस्तेमाल केवल वे जाल सुखाने और आराम करने के लिए कर सकेंगे, जिसके कारण ये भारत में विवादित मुद्दा बन गया। अगला प्रश्न, उस भारोत्तोलक का क्या नाम है जिसने फुकेट थाईलैंड में IWF विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? ए कुंजरानी देवी, बी मीराबाई चानू, सी सतीश शिवलिंगम, डी ललिता। आंसर बी मीराबाई चानू। एक्सप्लेनेशन, दो बार की ओलंपियन और टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक का टिकट कटा लिया है। उन्होंने सोमवार को फुकेट IWF विश्व कप में महिलाओं के 49 किग्रा भार वर्ग के ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रहकर पेरिस ओलंपिक में अपनी जगह सुनिश्चित की। अगला प्रश्न, T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं? ए ईशान किशन, बी दिनेश कार्तिक, सी MS धोनी, डी ऋषभ पंत। आंसर सी MS धोनी। एक्सप्लेनेशन, महान भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज MS धोनी T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। धोनी ने यह उपलब्धि IPL में दिल्ली कैपिटल्स DC के खिलाफ हासिल की। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक के नाम है, जिन्होंने अभी तक 8578 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां बसंत त्योहार शिग्मो महोत्सव मनाया गया है? ए हरियाणा, बी सिक्किम, सी गुजरात, डी गोवा। आंसर डी गोवा। एक्सप्लेनेशन, शिग्मो महोत्सव भारत के गोवा राज्य में एक रंगीन और जीवंत वसंत ऋतु का उत्सव है। इसे शिग्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और यह हिंदू पौराणिक कथाओं, संगीत, नृत्य और संस्कृति का एक संयोजन है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है? ए मालदीव, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी जापान। आंसर बी भारत। एक्सप्लेनेशन, भारत बना एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंडों का आकर्षण करता। घरेलू खरीदारी 4 वर्ष के उच्चतम स्तर पर मार्च 2024 में विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने भारतीय इक्विटी में $3.63 बिलियन का भारी निवेश किया, जो दिसंबर 2023 के बाद उनकी सबसे बड़ी खरीदारी थी। अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम क्या है? ए जंगनान, बी शंघाई, सी बीजिंग, डी जिजेंग। आंसर ए जंगनान। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की, जो अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है। हालांकि भारत इन प्रयासों को अस्वीकार करने के लिए दृढ़ है, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई भी नाम बदलने से हमारी सीमाओं के भीतर राज्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला प्रश्न, जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास का क्या नाम है?
ए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, बी थंडरबोल्ट अभ्यास, सी गगन शक्ति अभ्यास, डी ऑपरेशन स्काईबोल्ट। आंसर सी गगन शक्ति अभ्यास। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वायुसेना 1 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति आयोजित कर रही है। अगला प्रश्न, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? ए मैंगलोर बंदरगाह, बी पारादीप बंदरगाह, सी कांडला बंदरगाह, डी दीनदयाल बंदरगाह। आंसर बी पारादीप बंदरगाह। एक्सप्लेनेशन, ओडिशा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। इस मामले में पोर्ट ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ए आर प्रगनानन, बी डी गुकेश, सी विश्वनाथन आनंद, डी अर्जुन एरिगैक्सी। आंसर डी अर्जुन एरिगैक्सी। एक्सप्लेनेशन, भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैक्सी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2756 की मानक रेटिंग के साथ एरिगैक्सी दुनिया में 9वें स्थान पर है। उन्होंने इस मामले में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा है। 5 रैंकिंग में 21 वर्षीय अर्जुन के बाद दूसरे भारतीय रैंकर विश्वनाथन आनंद है। अगला प्रश्न, मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ए जैनिक सिन्हा, बी एंडी मरे, सी कार्लोस अल्काराज, डी ग्रिगोर दिमित्रो। आंसर ए जैनिक सिन्हा। एक्सप्लेनेशन, इतालवी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिन्हा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मियामी ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। सिन्हा ने फाइनल में ग्रिगोर दिमित्रो को हराया। इसके साथ ही उन्होंने करियर की सर्वश्रेष्ठ नंबर 2 रैंकिंग हासिल कर ली है। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए प्रस्तावित मानक समय का क्या नाम है? ए चंद्र मानक समय LST, बी आकाशीय समय मानक CTS, सी यूनिवर्सल लूनर क्लॉक ULC, डी समन्वित चंद्र समय LTC। एक्सप्लेनेशन, ये निर्देश व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी OSTP के प्रमुख की ओर से आया है, जिसमें नासा को समन्वित चंद्र समय LTC के लिए 2026 के अंत तक एक योजना विकसित करने का निर्देश दिया गया है। चंद्रमा पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत के कारण वहां समय पृथ्वी के सापेक्ष हर दिन 58.7 माइक्रोसेकंड तेजी से चलता है, जिसका अंतरिक्ष यान को सिंक्रोनाइज करने का प्रयास करते समय महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। अगला प्रश्न, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहां लॉन्च की गई? ए IIT वाराणसी, बी IIT बॉम्बे, सी IIT दिल्ली, डी IIT खड़गपुर। आंसर बी IIT बॉम्बे। एक्सप्लेनेशन, 4 अप्रैल 2024 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च करने के लिए मुंबई का दौरा किया। CAR-T थेरेपी एक अत्याधुनिक दृष्टिकोण है जो कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए रोगी की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ए प्रहार, बी त्रिशूल, सी अग्नि प्राइम, डी नाग। आंसर सी अग्नि प्राइम। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड और DRDO ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट से सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, SFC तथा सशस्त्र बलों को इस टेस्टिंग के लिए बधाई दी है। अग्नि प्राइम 2 स्टेज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता? ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आंसर डी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महाराष्ट्र की टीम ने क्लीन स्वीप करते हुए पुरुष और महिला दोनों खिताब अपने नाम कर लिया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। विजेता टीम को 3 लाख रुपए नकद और 1 ट्रॉफी मिली। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ए समुद्री सुरक्षा, बी जनजातीय विकास, सी साइबर सुरक्षा, डी बाल शिक्षा। आंसर ए समुद्री सुरक्षा। एक्सप्लेनेशन, भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है।
समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 10 मई, डी 15 जून। आंसर बी 5 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में शांति, सद्भाव और नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ए टाटा टेलीकॉम, बी SJVN लिमिटेड, सी अदानी ग्रीन, डी रिलायंस इंडस्ट्री। आंसर बी SJVN लिमिटेड। एक्सप्लेनेशन। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में SJVN लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न। नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? ए 50 अरब यूरो, बी 100 अरब यूरो, सी 150 अरब यूरो, डी 200 अरब यूरो। आंसर बी 100 अरब यूरो। एक्सप्लेनेशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने एक प्रस्ताव के तहत अपनी मौजूदा नीति में बदलाव करते हुए रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 5 साल के लिए 100 अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने यह प्रस्ताव रखा है। इससे 32 पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन नाटो यूक्रेन को सहायता देने में सबसे आगे हो जाएगा। नाटो 32 सदस्य देशों, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। अगला प्रश्न। CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता? ए कमल चावला, बी अभय कपूर, सी श्रेयांश सिन्हा, डी पंकज आडवाणी। आंसर डी पंकज आडवाणी। एक्सप्लेनेशन। विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने मुंबई में CCI स्नूकर क्लासिक के दौरान अपना दबदबा कायम रखते हुए टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में पंकज ने कमल चावला को 8-3 से हराया। पंकज आडवाणी ने पिछले 2 वर्षों में CCI स्नूकर क्लासिक का खिताब जीता और अब बिलियर्ड्स का खिताब बरकरार रखा है। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 3 अप्रैल, बी 4 अप्रैल, सी 5 अप्रैल, डी 6 अप्रैल। आंसर बी 4 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस खदान, लैंडमाइन संबंधी गतिविधियों, मानवता के लिए इनके खतरों और बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार साल 2006 में मनाया गया था। RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? ए 6.00, बी 6.20, सी 6.50, डी 6.75। आंसर सी 6.50। एक्सप्लेनेशन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति MPC के फैसले की घोषणा की। RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.50% पर बरकरार रखा गया है। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला लिया है। अगला प्रश्न। पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है? ए सानिया मिर्जा, बी बिल्किस मीर, सी मैरी कॉम, डी PT उषा। आंसर बी बिल्किस मीर। एक्सप्लेनेशन। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह जूरी का सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला भी हैं। अगला प्रश्न। नेशनल मैरिटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 3 अप्रैल, बी 4 अप्रैल, सी 5 अप्रैल, डी 6 अप्रैल। आंसर सी 5 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरिटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में समुद्री क्षेत्र के महत्व को बताता है। ये दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट है। अगला प्रश्न। काठिया गेहूँ जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी
उत्तर प्रदेश। आंसर डी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि उपज काठिया गेहूं को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस फसल के लिए जीआई टैग का आवेदन साल 2022 में किया गया था। 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में एसोचम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए संजय नायर, बी प्रकाश कालरा, सी अभय कुमार सिंह, डी आलोक रंजन। आंसर ए संजय नायर। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष संजय नायर को 2024-25 के लिए एसोचम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह का स्थान लेंगे, जिन्होंने चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। एसोचम एक गैर सरकारी व्यापार संघ है।